14 मिनट ये अच्छा, ओ कुछ आया है, कुछ आया है, क्या बात है, चलो कोक स्टूडियो सुना जाए। इस बार कौन है? मुआज़िज़ शरीफ, सॉरी मीशा शफी। यार मीशा शफी कौन है, किसी को पता है क्या मीशा शफी कौन है? ठीक है, दीदी है फारिश शफी की। ओ इज इट, अच्छा सही है ये बात, चलो गाना सुन लेते हैं फिलहाल। ओके कोक स्टूडियो सीजन 14, मुआज़िज़ सारिफ, फारिश शफी, मीशा शफी। मैं बहुत सारी चीज स्टूडियो सीजन 14। देखो ये हिप हॉप नहीं हो सकता है, अगर ये बिल्कुल अलग जॉनर हुआ तो मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है, बाकी देखते हैं क्या है। कुक स्टूडियो में ऐसी ऐसा कुक स्टूडियो ने वीडियो निकाला है। ये लाइव का सेट बनाया है क्या? फारिश शफी को जो है ना इतनी जल्दी जल्दी नहीं, ठीक है, आई लाइक टू, ठीक है वो छोड़ो है ना, थोड़ा फारिश शफी को एक सेकंड, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कुछ दिन पहले देखा था कितने शरीफ से लग रहे थे कोक स्टूडियो में, अभी भी शरीफ ही लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब स्टाइल पूरा चेंज हो चुका है, स्विच, ठीक है, सुनते हैं। ओके 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 कंसंट्रेट मैन, वेट, एक सेकंड भाई, कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन बता रहे हो, फॉर ए गो हिटर्स दे कॉल मी एरोगेंट सुपर ईगो एक्सेलरेंट इट्स नो एक्सीडेंट दैट आई एम बेटर देन मेडिसिन चले फिर कितनी बारी वही बातें करे फिर जेली ब्रा व्हाटएवर तेरे सारे गाने रिपेटिटिव लेट मी रीकैलिब्रेट मुझे एक सेकंड दे बेस इन द बीट मेक मी सेलिब्रेट व्हाइल यू फेस इन डिफीट टेकिंग द हीट व्हाइल आई एम बेकिंग द बीट 70 सेंटीग्रेड टिल इट्स वेल डन यू विल सी मी सेल्डम सभी कहते अभी पैक हो ऊपर नीचे एल्बम मनी मेकिंग ओवर द होराइजन मैं इस फैक्ट को एक्सेप्ट करता हूँ जीवन में कि मैं फारिश शफी के बहुत सारे लिरिक्स यहाँ पे मिस कर रहा हूँ, ठीक है, सो या आई एम जस्ट नॉडिंग माई हेड टू द सॉन्ग बट मैन दिस इज ओवरवेलमिंग राइट नाउ थोड़ा पीछे करते हैं फिर सुनते हैं। एक सेकंड टाइम बेस इन द बीट मेक मी सेलिब्रेट व्हाइल यू फेस इन डिफीट टेकिंग द हीट व्हाइल आई एम बेकिंग द बीट 70 सेंटीग्रेड टिल इट्स वेल डन यू विल सी मी सेल्डम सभी कहते अभी पैक हो ऊपर नीचे एल्बम मनी मेकिंग ओवर द होराइजन कंपटीशन गोइंग इन द हाइड एंड व्हाइल आई एम ऑन अ मिशन एट द वेरी बीट द जंगी तेरा मिलन पहले से लेनु भी पहले कोई बात वाओ मैन यहां पे देखो ऑन अ मिशन टू वैनिटी क्या वैनिटी ऑन अ मिशन एट द वैनिटी देन अ मिलन 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 उसके बाद रोक दिया भाई ने वेनेजुएला मूवी कंपटीशन गोइंग इन द हाइड एंड व्हाइल आई एम ऑन अ मिशन एट द वेरी बीट एक और दिमाग खराब करने वाला गाना दे दिया इस बारे। ओके सो मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया है कि अभी की मीशा शफी जो है वो फारिश शफी की शायद दीदी हैं, बड़ी बहन है मीशा शफी शायद, भाई मेरे को नहीं पता, मैं किसी के अगर यहाँ पर रिलेशन गलत बता रहा हूँ देन आई एम रियली सॉरी, जो लॉन्डे चैट में बोल रहे मैं वो बोल रहा हूँ, सो आई गूगल पर सर्च करके फिर कंफर्म करेंगे। ओके इतना कितना सही म्यूजिक साउंड कर रहा है भाई लोग जंदा, इफ यू फील द म्यूजिक है ना प्लीज लिसन टू इट विद योर ओपन हार्ट है ना, और बताओ कि ये गाना कैसा लग रहा है, ठीक है, मेरे को लाइक टू गुड मैन।
भाई जो भी इसका मिक्सिंग विक्सिंग करा है रा, शाउट आउट टू द होल टीम मैन, इतना एपिक साउंड कर रहा है एज गुड है ना, लिविंग अप टू द नेम कोक स्टूडियो, बिल्कुल वही फील आ रहा है, इतना नाइस. हजरत हाजरी ब्रादरा ने मिल्लत आप रखी तशरीफ, जनाब आली जनाब आला जनाब आलम और सारी खवातीन, ऑल द लेडीज मोहतरमा, फॉलो मी एंड डियर मुअज्जिज सारिफ, ऑल द अदीब एंड मुसन्निफीन, नो व्हाट आई मीन व्हेन आई स्क्रीम हेलो. Like a virus in your system, that again again again, मैं सारी रात ताजी करूं यादें, सारा दिन जारी करूं बारे. भाई बहुत तगड़ा गा रहा है ब्रो, बहुत सही है, जस्ट टू मेनी थिंग्स हैपनिंग. Like a virus in your system, that again again again, मैं सारी रात ताजी करूं यादें, सारा दिन जारी करूं बारे, बाजी को बुला दें, कैसी थी वो प्यारी प्यारी बातें, अगर करूंगा मैं फोकस तेरे सारे बातें बोगस होंगे, सारे खाते खोला सारा सारे गाने चौकस, मेरे चारों ओर मेरे तेरे बॉर्डर्स, प्लीज नो फोटोस, ठीक है जी गस पीटे मांगे निकला मैं बात गैर स्पीड टिकट, ये जो इतनी है काफी पे खींच में चेक करा फिर विद कजन इन द पेन पिक्चर, मेरे पास ओरिजिनल. मैंने मिस कर दिया, मैंने यहां पे मिस कर दिया भाई, एक सेकंड. चौकस मेरे चारों ओर मेरे तेरे बॉर्डर्स, प्लीज नो फोटोस, ठीक है जी गस पीटे मांगे निकला मैं बात गैर स्पीड टिकट, ये जो इतनी है काफी पे खींच में चेक करा फिर विद कजन इन द पेन पिक्चर, मेरे पास ओरिजिनल. भाई मेरे ये मिस कर दी, मुझे लाइन समझ ही नहीं आ रही, मेरे कानों का दिमाग खराब हो चुका है, मेरे कानों का दिमाग इज डेड राइट नाउ. क्या सीमलेस परफॉर्मेंस है, क्या सीमलेस ट्रांजिशन है, क्या प्रैक्टिस करी होगी इन लोगों ने, है ना, लाइक कैमरा मैन टू एवरीथिंग मैन, बहुत सही भाई. किस किस सांचे में हमें तुम ढालोगे, हाँ किस किस सांचे में हमें तुम ढालोगे, झुक झुक के फिर कैसे सर उठा लोगे भाई, झुक के फिर कैसे सर उठा लोगे, अजी सुन रे, हाँ सुन रे, अजी सुन रे, हाँ सुन रे, तेरा वांगो सितिया सामने नजर आ रही है मेरी, मैं ना वेखा सज्जे खब्बे में आती कुछ हुआ है क्या, एक ग्लिच इफेक्ट डाला गया, कुछ हुआ क्या यहाँ पे कुछ हुआ क्या यहाँ पे, पारिश हंसे गया यहाँ पे, कुछ हुआ क्या, ये ग्लिच इफेक्ट क्यों डाला गया है यहाँ पे, मेरी काली काली चश्मे वाली आंखों ने पकड़ लिया, बिकॉज पूरे अभी तक शायद हमें एक भी बार ऐसा कुछ भी एडिटिंग नहीं दिख रहा है, एवरी थिंग इज जस्ट गोइंग सीमलेस है ना, बट यहाँ पे एक ग्लिच दिखा है जो मेरे को कुछ तो हाइड करने के लिए डाला गया है. प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक एंडिंग के साथ कि नॉर ओके गुड जॉब भाई, बहुत ही सही सोनिकली गाना, बहुत बढ़िया कॉम्पोजिशन, बहुत अच्छी है, मेरे को पर्सनली इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक की कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी लगती है. बीच में जो ये कौन है, ये मीशा शफी है, मीशा शफी का जो पार्ट में म्यूजिक बज रही थी वो तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी. बाकी डेफिनेटली जब फारिश का पार्ट था तब रैप पे हम ज़्यादा ध्यान दे रहे थे है ना, ओवरऑल बहुत ही तगड़ा था, लेकिन जो मीशा का पार्ट था भाई साहब वहाँ पे जो एनर्जी और जो इंटेंसिटी इतनी हाई थी, एंड मैंने कोक स्टूडियो में इससे पहले ऐसा कोई भी परफॉर्मेंस नहीं देखा है जहाँ पे
लाइक खड़े खड़े देखा है. लाइक मैंने मैंने फर्स्ट देखा था आई थिंक गरज बरस देखा था मैंने, राहत फतेह अली खान साहब का, और उसमें वो आए थे ना जुनून के जो लीड सिंगर थे उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन मैंने मुझे ऐसे ही देखा था जैसे परफॉर्म करते हैं, लाइव परफॉर्मेंस होता है वैसा वाला. बट यहाँ पे जो वन टेक वीडियो कॉन्सेप्ट करके डाला है एंड सारे के सारे जो भाई प्लानिंग बहुत अच्छी है. शाउट आउट टू द टीम, वीडियो वाली ऑल्सो, वीडियो वाली टीम का बहुत अच्छा काम है. सेट एंड एवरीथिंग इज लुकिंग सो क्लासी है ना, बिल्कुल आप इसको किसी भी इंटरनेशनल लेवल के जो बड़ी से इनको बोलते क्या हैं, इनको इनको परफॉर्मेंसेज भी तो बोलेंगे, जैसे KEXP है ना पे होता है और टाइनी डेस्क कॉन्सर्ट पे होता है. टाइनी डेस्क डेक्स में डेस्क कॉन्सर्ट अगर नहीं देखा तो देखना, बहुत सारे आर्टिस्ट आके परफॉर्म कर चुके हैं. तो वैसे ही भैया ये का इसका भी वही लेवल है ना, शो इट टू द अंग्रेज पीपल एंड दे विल बी मोर देन हैप्पी है ना कि भैया क्या हो रहा है. बट गुड जॉब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही तगड़ा. लाइक मीशा शाफी का शफी का पार्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई, मतलब इनका पार्ट इतना इतना इंटेंस, इतना इंटेंस, और वो झुक झुक के क्या झुक के फिर कैसे सर उठा लोगे, ये मेरे हिसाब से बेस्ट लाइन थी इस गाने की, बहुत अच्छा. क्या कॉम्पोजिशन करिए भाई, क्या म्यूजिक बनाया है. ठीक है चलो, मैं फिर से नहीं सुनूंगा, मैं फिर से अकेले सुनूंगा अभी ये लाइव स्ट्रीम एंड होने के बाद, मैं स्पीकर्स पे प्ले करके खुद से सुनूंगा. बट मैड रिस्पेक्ट, मेरे को ये गाना बहुत ही तगड़ा लगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मेरे को ये गाना. एंड मैन लाइक दोनों का पार्ट इतना अच्छा लग रहा था, ट्रांजिशन इनके बीच के बहुत अच्छे थे. मैं 10 बार वही बातें बोल दूंगा क्योंकि वही बातें मेरे दिमाग में बस गई है. बहुत अच्छा गाना लगा मेरे को, बस ये ग्लिच क्यों आया था कोई मुझे बता देना कमेंट में, अगर मैं इसका रिएक्शन वीडियो डालूं तो.